सास बहू, कंजूस ससुर और रिश्तेदार। एक गांव में सुशीला और सूरम्मा नाम के सास बहू रहते थे। दोनों ही बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन सूरम्मा का पति और सुशीला का ससुर माधवराव बहुत ही कंजूस आदमी था। एक दिन जब वो आंगन में फटी हुई कागजें इकट्ठे कर रहा था, तो उसका बेटा सीनू देखकर बोला, मेरे पिताजी फटे हुए कागज क्यों उठा रहे हैं? इस तरह मन में सोचकर बोला, पिताजी पिताजी, अरे ओ पिताजी। इस तरह वो जोर से चिल्लाया, फिर भी वो नहीं सुना। ये क्या, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा, बहरे हो गए हैं क्या? इस तरह सोचते हुए उनके पास आकर बोला, अरे ओ पिताजी, मैं इतने जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उसने कहा, फिर भी माधवराव कुछ भी नहीं बोलता है। लगता है मेरे पिताजी बहरे हो गए हैं। ऐसा सोचकर वो रोने लगा। अरे ओ मेरे पागल बेटे, इस माधवराव के मुंह से एक लफ्ज निकलने के लिए भी पहले जेब में पैसे डालने होंगे, वरना बातें नहीं बाहर निकलेंगी, ना जवाब मिलेगा। उसने कहा। ये सुनकर उसका बेटा दंग रह गया। अपने ही बेटे से बात करने के लिए पैसे मांग रहे हो? कैसे बाप हो तुम? आप ना मामूली कंजूस आदमी नहीं हो, महा महा कंजूस आदमी हो आप। छी, आपकी कंजूसी तो हद से गुजर गई है। अब ये बताओ, ये फटे हुए कागज क्यों उठा रहे हो? उसने पूछा। तब माधवराव ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ पिताजी, ये कागज क्यों इकट्ठे कर रहे हो? उसने फिर से बुलाया, फिर भी वो नहीं बोला। तब सीनू बोला, ओ बिना पैसों के ये तो एक लफ्ज भी नहीं बोलने वाले, ठीक है फिर। ऐसा बोलकर उसने अपने जेब से 1 रुपए निकाला और अपने पिताजी को दिया। तुरंत माधवराव बोला, बेटा उस पुराने सामान वाले ने कहा था कि 1 बोरी पुराने कागज लाऊंगा तो वो 10 रुपए देगा, इसीलिए उठा रहा हूँ। उसने कहा। ये बात सुनकर सीनू दंग रह गया। 10 रुपए के लिए आप ये पुराने फटे हुए कागज इकट्ठे कर रहे हो? वाह रे वाह। वैसे बताओ, आपको किस महापुरुष ने ये 10 रुपए देने का वादा किया है? वो देखो वहाँ बैठा हुआ है ना छोटा सा बच्चा, उसी ने। ऐसा बोलते हुए एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से बैठे हुए एक छोटे से बच्चे को दिखाता है। उसको देखकर सीनू के होश उड़ जाते हैं। तुरंत वो उसके पास दौड़ते हुए जाकर बोलता है, क्यों बे, मेरे पिताजी से तू पुराने कागज उठवा रहा है? तुम्हारे पिताजी हैं इसीलिए करवा रहा हूँ, 25 पैसे के लिए ये तो फिनाइल पीने के लिए भी तैयार था, इसीलिए ये काम करवा रहा हूँ, उस लड़के ने बोला। उसकी बातें सुनकर शीनू दंग रह गया। बेचारा उस लड़के को कुछ नहीं कह पाया, इसीलिए अपने पिताजी को घर के अंदर खींचते हुए ले गया। अरे अरे बेटा, 10 रुपए आएंगे, 10 रुपए। वो 10 रुपए मैं आपको दूंगा, चलिए घर के अंदर चलिए। ऐसा बोलते हुए अपने पिताजी को खींचते हुए घर ले आया। माँ माँ, क्या बात है बेटा? माँ, आपके पति का पागलपन अब घर से निकलकर सड़क तक पहुंच गया है। मैं क्या करूं बेटा, कल रात को मैंने कहा था कि अजीब बहुत ठंड बढ़ गई है, एक रजाई खरीद लेते हैं। तब उन्होंने क्या कहा पता है? कहा है कि लोग पुराने कपड़े जो वहां झील के पास छोड़ देते हैं उन्हें लाऊंगा, उनसे एक नया रजाई बना लेना। उसने कहा। ये बात सुनकर सीनू दंग रह गया और माधवराव वहाँ खड़ा खड़ा हंस रहा था। पिताजी हंसना बंद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चाहो तो मैं पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ। कल मेरे ससुर जी आ रहे हैं, पहले ही मेरा लव मैरिज है और वो लोग करोड़पति हैं। वो लोग अपनी बेटी की गृहस्थी देखने के लिए आ रहे हैं। कम से कम कल 1 दिन के लिए आप अपनी ये कंजूसी कहीं छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं पिताजी, कल वो लोग जो भी सवाल पूछें, मना किए बिना आराम से सब जवाब दीजिए, किसी चीज को मना मत कीजिए और जवाब दीजिएगा। बेटा ये सब ना मैं चाहकर नहीं करता, बिना पैसे के मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, इसमें मैं क्या करूं? अरे आप अपनी आदत से नहीं सुधरोगे, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं।
बस आप मेरे ससुर जी के सवालों का जवाब दे दीजिए बस, और वो जो मांगे ला कर दीजिए। ठीक है बेटा, उसने कहा। अगले दिन सुबह सुशीला के माता पिता यानी कौशल्या और प्रसाद राव आते हैं। सब लोग कुशल मंगल होने का प्रश्न पूछने के बाद माधव राव बाहर आते हैं। उन्हें देखकर प्रसाद बोले, अरे भाई साहब कैसे हैं आप, उसने पूछा। लेकिन माधव राव बोलने की जितनी भी कोशिश करता, उसके अंदर का छुपा कंजूस उसे बातें ही नहीं करने दे रहा था। अरे भाई साहब अब बात क्यों नहीं कर रहे, प्रसाद ने पूछा। तब सीनू अपने ससुर के पीछे जाकर अपनी जेब से 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने पिता को दिखाते हुए हिलाने लगा। उस 10 रुपए के नोट को देखते ही माधव राव, अरे अरे मेरा क्या है भाई साहब, बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आइए बैठिए। माधव राव उनके साथ आकर बैठ गया। और भाई साहब बताइए क्या बात है, आपके खेत के काम कैसे चल रहे हैं, उसने पूछा। माधव राव फिर से चुप हो गया। ये देखकर सीनू फिर से दंग रह गया। अरे ये क्या, फिर से आप बात नहीं कर रहे? दरअसल मेरे पिताजी हमेशा कोई ना कोई योगा आसन करते रहते हैं, आज वो बिना हिलने वाला आसन कर रहे हैं। ऐसा बोलते हुए फिर से अपने ससुर से छुपाकर अपनी जेब से 10 रुपए का नोट दिखाकर हिलाने लगा। अच्छा ये बात है, तो भाई साहब योगा बहुत अच्छे करते हैं, वो पूछने लगा। 10 का नोट देखते ही माधव राव बोला, हाँ भाई साहब हमारे लिए तो सेहत ही सबसे बड़ा धन होता है ना। हाँ हाँ सही कहा भाई साहब, सेहत के बारे में आपने बात किया तो मुझे याद आ गया। बेटी मेरे लंच खाने का टाइम हो गया है, खाने में क्या बनाया है? आपके आने की खुशी में मैंने 3 चिकन के टुकड़े, 4 मटन के टुकड़े, अंडे, बिरयानी, मछली, अरे 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 बहुत सारा खाना बनाया है। साहब 3 टुकड़े 4 टुकड़े ऐसा क्यों कहा आपने? वो दरअसल मेरे पिताजी ना 1 किलो 2 किलो नहीं बोल सकते, इसीलिए वो टुकड़ों के रूप में बोल रहे हैं। बढ़िया है बढ़िया है, चलिए चलिए खाना खाते हैं, हमें फिर से घर भी लौटना है। ऐसा बोलते हुए सब लोग डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे। सब लोग खाने के लिए बैठे। सुशीला खाना परोस रही थी। अरे अरे बेटा सारे आइटम्स मुझे ही परोस रही हो, अपने ससुर जी को भी थोड़ा खाना परोसो, उसने कहा। सुशीला जाकर अपने ससुर को खाना परोसती है। प्लेट में चावल के परोसते ही माधव राव की नाक अपने पड़ोस के घर की तरफ मुड़ गई। उसने जोर से खुशबू सूंघा और अपना प्लेट लेकर वहां से उठ गया और अपने पड़ोस के घर के पास वाले खिड़की के पास जाकर बैठ गया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। अरे ये क्या भाई साहब, हम लोग सब इधर बैठे हैं और आप वहां जाके बैठ गए, और आपने प्लेट में सब्जी भी नहीं डलवाई, उसने पूछा। लेकिन माधव राव ने कोई जवाब नहीं दिया। तुरंत सीनू ने बोला, वो दरअसल मेरे पिताजी को ठंडी हवा के पास बैठकर खाने की आदत है, इसीलिए वहां जाकर बैठ गए हैं। लेकिन उन्होंने सब्जी क्यों नहीं डलवाई? पिताजी की उम्र बढ़ गई है ना, तो डॉक्टरों ने सब्जियां खाने से मना किया है, इसीलिए बेचारे बिना सब्जी के ही वहां चले गए, उसने कहा। प्रसाद को भी कोई शक नहीं हुआ और उसने खाना खा लिया। सब लोगों ने खाना खा लिया। ठीक है दामाद जी अब हम लोग चलते हैं। अरे ससुर जी आज के दिन यहीं रुक जाइए ना। क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी की कंजूसी, बगल वालों के घर के बने हुए सब्जी की खुशबू सूंघते हुए खाना खाना, बातें करने के लिए तुम मेरे पीछे जाकर उन्हें 10 रुपए का कागज दिखाना, ये सब मुश्किलें आप और क्यों झेलना चाहते हो? और ऊपर से मैं भी ये सब नहीं देखना चाहता, इसीलिए चला जाऊंगा। ससुर जी आप ये सब कैसे जानते हैं? तुम्हारे पिताजी का इस गांव में ही नहीं आसपास के कई गांव में काफी बड़ा नाम है, मनी माधव राव करके। जब से तुम दोनों ने शादी की है पूरे गांव के लोग मुझे गालियां ही दे रहे हैं, इसीलिए मैं देखने आया था कि मेरी बेटी का गृहस्थी कैसे चल रहा है। ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा तुम क्यों माफी मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी
मैंने देखा है कि मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है, क्योंकि कंजूसी उनके मन में है लेकिन इस घर में नहीं है। प्यार करने वाला पति, माँ की तरह संभालने वाली सास होते हुए मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ खुश ही रहेगी। ऐसा बोलते हुए प्रसाद राव वहाँ से चला गया। उसके जाते ही माधव राव अपने बेटे के पास आकर बोला, बेटो पूरे 30 रुपए हो गए हैं, चलो पैसे निकालो। उसने पूछा। ये सुनकर सब घर वाले दंग रह गए। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।